नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं, तो हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग पिक्चर देख कर समझ गए होंगे, सही देख रहे हो दोस्तों। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर असिस्टेंट डायरेक्टर का ITI प्रिंसिपल का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टोटल वैकेंसी 98। दोस्तों यहाँ पर टू अलग अलग नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024। दोनों ही नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 44,900 to 1,77,500 आप लोगों को मिलेगा। और क्वालिफिकेशन BE BTech। दोस्तों आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। यह है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 जो कि 18 मई 2024 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पर जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल कम प्रिंसिपल कॉमा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्रुप ए जूनियर कम असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर टेक्निकल ग्रुप ए जूनियर इन स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पर हरियाणा का ये पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर का, ठीक है, कहाँ का डायरेक्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 में टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें UR के लिए 2 पोस्ट है जिसमें ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, और एक पोस्ट है SC ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का जो SC कैंडिडेट उनके लिए है, बाकी ऑल इंडिया का अदर SC कास्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्लियर कर दिया। BCA कैटेगरी ऑफ हरियाणा के लिए 1 पोस्ट है, EWS ऑफ हरियाणा के लिए 3 पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट ब्लाइंडनेस और लो विजन PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और 1 पोस्ट हियरिंग इम्पेयर्ड जो कम कान में कम सुनते हैं उनके लिए रिजर्व है। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, अप्लाई ओपनिंग स्टार्ट होगा 22 मई 2024 से और लास्ट खुला रहेगा 5 जून 2024 की रात की 11:55 तक खुला रहेगा वेबसाइट अप्लाई का। और ये मिल गया आपको डेट्स और वैकेंसी डिटेल। आइए दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.hpsc.gov.in। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इसका लिंक दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट का। दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए देखते हैं, ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में बोले दोस्तों यहाँ पर डिग्री इन बैचलर इन इंजीनियरिंग, यानी BE डिग्री होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम पे, या पर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं बताई, इसलिए कोई भी स्ट्रीम पे BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री होने से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी, एज ए सुपरवाइजर के तौर पर काम करने का जो कैपेसिटी आपके अंदर होना चाहिए इन वर्कशॉप, किसी भी वर्कशॉप में। ठीक है, सुपरवाइजर के तौर पे किसी भी वर्कशॉप में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अथवा इन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, किसी भी रेप्यूट बड़े नामजदा कंपनी में 5 साल सुपरवाइजर के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में टेक्निकल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, आपके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से टेक्निकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कंसिडर और विल बी, और ये जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन विल बी कंसिडर एज द एडिशनल को आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, ये अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और चौथी ऑप्शन में एडिक्ट नॉलेज इन हिंदी, आप पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए आपको हिंदी में। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 का। ठीक है, उसके लिए आइए दोस्तों, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 में जो पोस्ट आपने देखा, इसके लिए पे स्केल मिलेगा लेवल 10 का 56,100 to 1,77,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके लिए यहाँ पर है एज लिमिट। देखिए इस पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024 के लिए एज लिमिट 30 ईयर से लेकर 42 ईयर आपका एज लिमिट होना चाहिए। ठीक है, और मतलब अगर आप 29 साल का हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बोल दिया कैंडिडेट शुड बी लेस देन 30 ईयर, शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर, यानी 30 ईयर से कम आपका उम्र नहीं होना चाहिए, तो आपको 30 ईयर से 42 ईयर के बीच में से जो लोग हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस का मामला भी है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है,
आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST हरियाणा, SC हरियाणा का 5 साल, हरियाणा का जो BC कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल, डिजेबल जो PWD कैंडिडेट है उनको 10 साल मिलेगा, ठीक है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल, जो लोग मिलिट्री पर्सनल डेथ हो गए हैं ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए हैं उनकी वाइफ के लिए 5 साल, विडो और लीगली डिवोर्स्ड 5 साल, जुडिशियली जो लोग जुडिशियली अलग कानूनन रूप से सेपरेट हो सके ऐसा महिला के लिए 5 साल, अनमेरिड महिला के लिए 5 साल, एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इमरजेंसी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 3 साल मिलता है, ठीक है। आप लोग पूरा बाकी डिटेल्स देख लीजिएगा दोस्तों। अभी आते एप्लीकेशन जो आप लोगों को फ़ी देना होगा, कहाँ पर है ये एप्लीकेशन फ़ी, ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फ़ी, आपका जो एविडेंस ऑफ एज द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका माध्यमिक का जो एडमिट कार्ड है और मार्कशीट है उस वही आपको डेट ऑफ बर्थ के तौर पे प्रूफ करना होगा, प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। एज लिमिट के लिए एप्लीकेशन फ़ी अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग डेट, डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप लोग पे कर सकते हैं, और क्लोजिंग डेट की रात की 11:55 तक, यानी 5 जून 2024 तक। देखिए आपको किस किस को, महिला सॉरी फ्रेंड्स मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स ऑन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जितना भी एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन फैमिली से अगर कोई है, और जितना भी महिला सॉरी फ्रेंड्स बार बार महिला आ जाते हैं माफ कीजिएगा, पुरुष कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी का पुरुष कैंडिडेट हो उनके लिए 1,000 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ BC कैटेगरी बिलोंगिंग टू द क्रिमिलियर, BC कैटेगरी का जो क्रिमिलियर है उनके लिए भी 1,000 रुपया, फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट से किसी भी पुरुष हो, सभी पुरुष के लिए 1,000 रुपया देना पड़ेगा। सेकेंड कॉलम में दोस्तों फॉर ऑल महिला कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन फैमिली से भी अगर हो महिला कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का 250 रुपया देना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट का जितना भी फीमेल हो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, अगर आप SC कैटेगरी से हो, BCA कैटेगरी या फिर BC B कैटेगरी से हो और एक्स सर्विसमैन हो हरियाणा कैंडिडेट का, मतलब एक्स सर्विसमैन ये तीनों कैटेगरी में अगर एक्स सर्विसमैन है उनकी फैमिली से हो मेल फीमेल, तो आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 250 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ हरियाणा कैंडिडेट के लिए, अगर आप अदर स्टेट से PWD हो तो आपको जनरल के तौर पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को अदर स्टेट से हो तो कास्ट वाइज फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कोई एप्लीकेशन फी की ज़रूरत नहीं है PWD कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर तो बोलने का कुछ नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्लियरली कुछ नहीं पता है, मैं ढूंढने की कोशिश की, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, 2 नोटिफिकेशन है अलग अलग, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ तक ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर लास्ट में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये देखिए 14/2024 के लिए 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, दोनों ही नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में दो अलग अलग इस तरह का एप्लीकेशन का जो प्रोफॉर्मा है दिया गया है एक्सपीरियंस का, आपको अपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया कैसे लिया ना दिया सब यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, भर के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन के एकदम नीचे दिया हुआ है याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अभी जाते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 में, ये है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 सेम डेट में पब्लिश हुआ है, इसमें दोस्तों पोस्ट थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर टोटल 91 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल कम सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, अथवा इसको सीनियर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर बोल भी सकते हैं, अथवा प्रिंसिपल, अथवा वाइस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, अथवा प्रिंसिपल फुटवेयर भी बोल सकते हो, अथवा ट्रेनिंग ऑफिसर, अथवा अप्रेंटिसशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ग्रुप बी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ होगा, इन स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डेवलपमेंट हरियाणा पे पोस्टिंग होगा। कैटेगरी जनरल कैटेगरी के 50 पोस्ट है जो कि ऑल इंडियन स्टेट से अप्लाई कर सकते हो ये 50 पोस्ट वाला जगह में, ठीक है। और SC के लिए SC ऑफ हरियाणा 18 पोस्ट, BCA ऑफ हरियाणा 9 पोस्ट, BCB ऑफ हरियाणा 5 पोस्ट, EWS हरियाणा 9 पोस्ट, टोटल 91 पोस्ट, जिसमें एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए जनरल के लिए 2, SC के लिए 1, टोटल 3 पोस्ट है। बाकी PWD कैटेगरी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके, सेम यहाँ पर भी 22 मई से अप्लाई स्टार्ट होगा और 5 जून को अप्लाई क्लोज होगा। इसके लिए जो दोस्तों क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको उसमें तो बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी BE
यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर जो बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए आप किस किस में डिग्री होने से अप्लाई कर सकते हो, बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा मैकेनिकल अथवा ऑटोमोबाइल अथवा प्रोडक्शन अथवा इंडस्ट्रियल अथवा इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा मैकेट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर अथवा सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ पर सही एक्सपीरियंस, 3 ईयर इंडस्ट्रियल अथवा टेक्निकल एक्सपीरियंस इन ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट, किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे 3 साल काम करने का ड्यूटी करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, मिल गया। बाकी का जितना डिटेल्स है मोटे तौर पर उसकी तरह सेम है, लेकिन इसमें सैलरी कम है, ये जो 15/2024 का जो पे स्केल है यहाँ पर आप लोगों को 7 का पे स्केल लेवल 7 का 44,900 टू 1,44,400 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, ये जो क्राइटेरिया होता है नॉर्मली सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडियन कैंडिडेट। तो सो एज लिमिट यहाँ पर थोड़ा कम ही, ऐसे 25 से लेकर 42 ईयर, उसमें था 30 से लेकर 42 ईयर, ऐसे 25 से लेकर 42 ईयर। और वो जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वहाँ पर जैसे था यहाँ पर भी सेम है, आप लोग देख लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हो या फिर नोटिफिकेशन को ओपन करके देख सकते हो, आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दोनों ही नोटिफिकेशन लिंक अवेलेबल है। दोस्तों दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, कभी तो बड़े यूट्यूबर बनने में मदद करो दोस्तों। आप लोग अनप शनप कॉमेडी वीडियो पे लाइक करते रहते हो दोस्तों, हम तो माँ की कसम भगवान की कसम ऐसा भी नहीं देते, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब भी कम मिलते हैं, अगर हम भी ऐसा कर पाते तो मिलते शायद मिल जाता। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं सेम, वहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम उसमें जो बताया गया था यहाँ पर भी एकदम से सेम, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी में, ठीक है। दोस्तों मोटे तौर पर आप लोगों को डिटेल्स मिल चुका है, एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो आप लोगों के लिए हेल्पलाइन एक ईमेल आईडी दिया गया है, ये देखिए, ये है आपका ईमेल srl-hpsc@hry.gov.in, ये है ईमेल एड्रेस अथवा फ़ोन नंबर है 1800-1800-431। आप यहाँ पे फ़ोन करके या फिर आप लोग ईमेल करके इस एडवर्टाइजमेंट से जुड़े हुए कुछ भी पूछना चाहते हैं, दोनों ही एडवर्टाइजमेंट का सेम ईमेल आईडी दिया गया है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, ये हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, जय हिंद जय श्री कृष्णा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए नोटिफिकेशन लिंक के लिए, थैंक यू।